अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनवर हुसैन आपका वेलकम करता हूँ MAH गेमिंग यूट्यूब की एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से जितने भी टूर्नामेंट है उसे अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि RCPL तक को अनलॉक कर सकते हैं। मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, रोड टू RCPL, RCPL ऑक्शन सब को अनलॉक कर सकेंगे। तो यही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपने RCPL को ओपन कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए मैं आपको पहले सिंपल से अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ आप मेरे स्क्रीन पर अगर देख रहे हो, लेवल 1 यहाँ पर लिखा हुआ XP, जिसमें से मैंने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर टोटल मैं जैसे प्रोफाइल में जाता हूँ, रुकिए प्रोफाइल में जाता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल में गया, देख सकते हैं मैंने लेवल 1 क्रॉस कर लिया, मुझे मास्टर कप मिल चुका है। लेवल 2 में देख सकते हैं अंडर 19 WC है यहाँ पर। लेवल 3 में बहुत चीज़ है, लेवल 4 आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो आपको मेन बात यहाँ फोकस करना है लेवल क्रॉस करने पर। लेवल आप कैसे क्रॉस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्विक मैच खेलने और टेस्ट मैच खेलने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आपको कोई टूर्नामेंट पे जाना है, जैसे मेरा इंटरनेशनल डोमेस्टिक में खुला हुआ है एक, मैं आपको दिखा, नहीं डोमेस्टिक नहीं, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, इंटरनेशनल में खुला हुआ है। यहाँ पर मास्टर कप मेरा खुल चुका है, बस इंट्री फ़ी आपको 10 टिकट्स लगेगा। तो ये आपको दे देना, मैं जैसे दे देता हूँ यहाँ पर इंट्री फ़ी 10 टिकट्स है, तो इंट्री फ़ी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ओके यू कैन नॉट गो, ओके क्लोज, देख सकते हैं हमारा 10 टिकट्स एंट्री फ़ी। जितने बार भी आप मास्टर कप खेलेंगे आपको 10 टिकट्स देना ही होगा। टिकट्स आपको आराम से मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टिकट्स तो आपको आराम से मिल जाता, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया मास्टर, न्यूजीलैंड मास्टर, इंग्लैंड मास्टर, ये आपको खेलना। अगर आप दो ओवर का ही मैच खेलते हैं और अगर आप मैच जीत जाते हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अगर आप मैच जीत जाते तो आपको यहाँ पर 30 यहाँ पर कॉइंस मिलने वाले हैं, मतलब 30 XP लेवल मिलने वाले हैं, जिसको आप ऐड देख के स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप XP लेवल आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सब समझाया था। और अगर आप हार भी जाते हैं तब भी आपको यहाँ 15 XP लेवल तो मिलेंगे ही, उसको डबल कर सकते हैं आप 30। ये बात हो गया यहाँ पर। तो आप जितना XP लेवल होगा, देख सकते हैं लेवल 2 क्रॉस करने के लिए हमें 310 XP चाहिए, तो आपको टूर्नामेंट खेलना और XP को जमा करना है। मैं आपको ये बात आपको पहले ही बता देता हूँ। तो XP को आप इसी तरीके से जमा कर सकते हैं। और भी अगर मैं बताऊँ तो XP तो जमा हो गया। आप क्विस्ट में चलते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्विस्ट, मिशन और डेली रिवार्ड। तो क्विस्ट में अगर चलते हैं तो अब आपको टिकट्स वो सब कहाँ से लाना, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है वॉच एंड विन। तो अगर आप वॉच एंड विन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वॉच नो एक ऐड अगर आप देखेंगे तो आपको 10 कॉइन मिलेंगे। RC20 का मतलब RC22 का एक टिकट मिलेगा, फिर अगले ऐड पर 20 कॉइन, फिर 3 टिकट्स मिलेंगे, फिर कॉम्बो पैक भी मिलेगा। ये पांचों देख लीजिएगा, डेली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगला मैं आपको दिखाता हूँ चैलेंज ऑफ द डे। चैलेंज ऑफ द डे पर अगर क्लिक करेंगे आप, मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर दो तरीके की चैलेंज है, विक्ट्री विदाउट लूजिंग, आपको जीतना है अपने विकेट को दिए बिना। ऑब्जेक्टिव 3 बॉल पर 10 रन अगर बनाते तो आपको 20 कॉइन मिलेंगे, उसे डबल कर सकते हैं। और वॉच वीडियो करके नहीं खेला तो वॉच वीडियो भी कर सकते हैं स्टार्ट न्यू करने के लिए भाई, अगर ये बना तो कर सकते हैं, तो स्टार्ट न्यू भी कर सकते हैं। अगला भी है यहाँ पर, इसमें आपको 2 टिकट्स मिलेंगे भाई, विक्ट्री विदाउट लूजिंग एनी विकेट, 16 बॉल पर 42 रन बनाने विकेट को खोए बिना। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपको 2 टिकट मिलेंगे, इससे आप टिकट को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको जैसे दिखाऊं यहाँ पर एक है स्क्रैच एंड विन। अगर आप स्क्रैच एंड विन पर क्लिक करते हैं, जैसे इसको स्क्रैच करना है, एक आपको बैट मिलेगा, एक मैच के लिए बैट होगा, फिर आपको ग्लव मिलेंगे, शू मिलेंगे, बॉल, फिर बंडल ही मिलेगा आपको। तो आपको स्क्रैच पर क्लिक करना, आपको एक ऐड देखना, फिर स्क्रैच करना, फिर आपके इसमें कुछ भी आ सकता है भाई, मैं आपको ये बताया था। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और अगर आप स्पिन द व्हील पर क्लिक करते हैं तो स्पिन द व्हील पर क्लिक करके 5 स्पिन आपको मिलता है रोज़, तो स्पिन करके आपको यहाँ पे कमेंट्री भी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पर आपको। कमेंट्री के साथ यहाँ पे टिकट्स मिलेंगे, क्वाइंस मिलेंगे, और मल्टीप्लेयर का जो टिकट्स क्वाइंस है वो भी मिलेगा भाई, बहुत अच्छा चीज़ है। और आखिरी वॉच एंड वीडियो एंड गेट 1 गोल्ड फ्रैगमेंट। एक वीडियो देखने पर आपको एक गोल्ड फ्रैगमेंट्स मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है भाई क्विस्ट। तो इससे आप अपने क्वाइंट्स टिकट्स को बढ़ा सकते हैं, कमेंट्री पैक अनलॉक कर सकते हैं, किट बैक अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं मिशंस पे चलता हूँ भाई। तो मिशंस पे है यहाँ पर देख सकते हैं रिवार्ड अप टू 50 कॉइन और 4 टिकट्स मिलेंगे आपको। 43 नीडेड, 24 बॉल में 43 रन बनाना, JP डुबिनी को स्कोर करना 30 रन कम से कम 11 बॉल में, और सौरभ तिवारी को एक छक्का तो लगाना ही है भाई, इसमें आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वो भी है भाई डेली मिशन, जिसे आप क्लेम करके आराम से कुछ देखिए यहाँ पे 4 टिकट्स मिल रहा है, बहुत अच्छा है भाई। तो एक बार ज़रूर इसको खेलिएगा भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे 3 हर दिन आपको खेलना होगा भाई, आप बहुत टिकट्स वो सब जमा कर सकें। अगर मैं दिखाऊँ इसके बाद डेली रिवार्ड में अगर मैं चलता हूँ, देखते हैं इसमें क्या। ओ भाई साहब, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं देख सकता हूँ मैं रोज़ डेली रिवार्ड क्लिक
क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी 10 क्वाइंस 5 ब्रॉन्च, 25 क्वाइंस 50 एमबीस ब्रॉन्च, आज मेरे को मिलने वाला है 50 एमबीपीएस। और देखिए अगर आप 300 का यहाँ पर रिवार्ड पास लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे मत लीजिएगा मेरे हिसाब से। जैसे ऊपर में आप एक ऐड देख के, ऐड नहीं तो कलेक्ट ऑल पे भी क्लिक करके आपको 10 मिल रहा है तो नीचे 300 रुपये देखिए 20 मिल रहा है, बस दुगुना का फ़र्क है। तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो कलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कलेक्ट ऑल हो रहा है, प्लीज़ वेट। तो मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 50 MB देखते हैं, नहीं मिला कुछ भी। ओ रुकिए रुकिए रुकिए, और 25 क्वाइंस मिल चुके हैं हमें, शायद 25 क्वाइंस नहीं मिले थे, तो 25 क्वाइंस हमें मिल चुके हैं भाई। अब देख सकते हैं यहाँ, अगर आप 25 क्वाइंस मिल चुके हैं, इसे भी आप रोज़ कलेक्ट करिएगा, वो बहुत चीज़ मिलेंगे भाई। देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी है, रोज़ आपको मिलता है डेली रिवार्ड के थ्रू भाई, मैं क्या बोलूँ अब, रोज़ आपको मिलेगा एक ना एक। तो इसे भी कर सकते, बहुत अच्छा चीज़ है भाई। तो ये तो हो गई, मैंने टूर्नामेंट बता दिया किस तरीके से अनलॉक करना है। टूर्नामेंट खेलिए, मैच जीतिए और एक्सपी लेवल बढ़ाइए, उससे मैं आपको दिखा देता हूँ RCPL कहाँ पे अनलॉक होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं RCPL, अगर आपको 2022 को अनलॉक करना है तो आपको 2000 रुपये देना है। अगर आप 2000 रुपये नहीं दे सकते हैं तो आप 100 लेवल पे इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा मैच खेलेंगे टूर्नामेंट में उतना ज़्यादा एक्सपी मिलेगा, लेवल बढ़ता जाएगा, आप उससे ज़्यादा खेलते जाएंगे भाई। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पर रियल क्रिकेट 20 ऑक्शन अगर अनलॉक करना है, ऑक्शन अगर खेलना है भाई, तो 85 लेवल में अनलॉक होगा। तो आपको बस यहाँ पर एक्सपी लेवल बढ़ाना है। एक्सपी लेवल पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने आज की वीडियो में आपको शॉर्ट बता दिया टूर्नामेंट कैसे अनलॉक करना है, और आपको मैं आपको बताता हूँ स्टेडियम्स कैसे अनलॉक करना है। स्टेडियम्स का बता देता हूँ, ओवर तो सारे अनलॉक मिलते ही है। नो पे क्लिक करता हूँ, इसमें चलता हूँ, यहाँ पर स्टेडियम देख सकते हैं बहुत है, मुंबई है लंदन। तो लंदन यहाँ पे एंट्री फी 250 पॉइंट्स है, और बाय और मैच 10 रुपया। यहाँ पर वेलिंगटन दुबई तो छोड़ दीजिए, अभी 10 रुपया लग रहा है यहाँ पर एट द रेट, इसे छोड़ दे, अभी बहुत सारे स्टेडियम इसमें आई भी नहीं है। तो अगर आपको लंदन में खेलना है या उसके बाद आपको यहाँ पर मेलबर्न में खेलना है तो आपको 250 कॉइन्स देने, और 250 कॉइन आपको कहाँ से मिलेंगे, आप एडवर्ड देखिए आपको आराम से मिल जाएगा और आप खेल सकते हैं स्टेडियम। स्टेडियम को भी आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं भाई। और मैं एक और चीज़ अगर दिखाऊँ, अगर आपको RCPL अभी तुरंत खेलना है तो एक और तरीका है भाई इस वीडियो में, मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ जब वीडियो चल रही है। तो आपको RCPL पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर रोड टू RCPL उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर RCPL को आपको अनलॉक करने के पैसे चाहिए। अगर 2008 वाला अनलॉक करना है तो 100 रुपये चाहिए, 100 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आखिरी वाला जो है वो 2000 का है। तो अगर आपको 2008 वाले को फ्री में अनलॉक करना है तो आपको बस लेवल 3 तक कैसे ही पहुँच जाना, आप 2008 वाला RCPL का मज़ा उठा पाएंगे भाई। तो आप XP लेवल जमा करना शुरू कीजिए, आप आराम से कुछ अनलॉक कर सकेंगे भाई। तो इसी तरीके से लेवल 17 बहुत चीज़ है भाई इसमें, आप टेंशन मत लीजिए, आप सब खेल पाएंगे आराम से। तो मैंने सब कुछ बता दिया, RCPL कैसे अनलॉक करना है सर, टूर्नामेंट्स कैसे अनलॉक करना है। टूर्नामेंट्स का भी एक अगर मैं ओवरव्यू दे दूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है, ये जैसे 91 लेवल में क्लासिक वर्ल्ड कप, ट्राई सीरीज लेवल 7 में बहुत सारे एंट्री फी, और देख सकते हैं एसोसिएट एंट्री फी, बहुत चीज़ अनलॉक भी है भाई, मजा कीजिए भाई। इसी तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं, हैक वैक मत कीजिएगा भाई, हैक से ID बैन हो जाएगी भाई। टूर्नामेंट अनलॉक कैसे करना मैं वो बता दिया, स्टेडियम के बारे में बता दिया, और सब कुछ बता ही दिया भाई, इसके क्विस्ट मिशंस और डेली रिवार्ड के बारे में पूरा डिटेल दे दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं लोग कोई और धमाकेदार वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय, और XP लेवल पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आएगी। बाय।